मैत्रेय और कपिला का घर कहाँ था? मिथिला। मिथिला में अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? गुप्त शासकों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? राष्ट्रकूट। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई थी? कलकत्ता से आगरा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन का स्वर प्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? 1916 लखनऊ अधिवेशन। मृच कटिकम की विषय वस्तु क्या है? एक धनी व्यापारी और एक गणितकार की पुत्री की प्रेम गाथा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की समिति में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश से सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका। 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। विदेशी वस्त्रों की एक शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आजाद के आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? 30 जून 1947।